भी आग्रह करे, चूंकि समय अभाव बा, अगर एक एक आदमी के गला में माला डालल जा तो पूरा कार्यक्रम के समय वही में लग जाये। ऐसे की रउआ सबके प्रतिनिधि हम मंडल के और प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष बा, यहाँ सबके गला में जो माला डाल गई बा, सब साथी लोग से आग्रह करे कि सब साथी महसूस जरूर करे कि माला हमनी के गला में पड़ल बा, हम निहोरा रउआ सबसे करतनी। और साथ ही हम अपना मंडल अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष आग्रह करे कि एक बाद रउआ सब यहाँ से निकली और आदि का अभिनंदन करते हैं, आप भी अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, आप लोग की ही बदौलत आज हम लोग चुनाव के इस मैदान जंग में 28 मार्च 2024 से बधाई। कितना यूमर फैलाया गया, रमेश सिंह जी आगे भी चल रहे, लेकिन बिहार सिवान की जनता ने उन लोगों की बातों को ध्यान न देकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एवं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम पर विश्वास करकर विजय लक्ष्मी देवी को एक एक वोट। नमस्कार, हम रोहित प्रबोधक हैं। मैच बॉक्स के टीम हसनपुरा प्रखंड के करमासी मौजूद किया जनता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। जब से राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन सिवान लोकसभा क्षेत्र से लगातार 100 विधानसभा क्षेत्र में देखा जाता है, कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में जा रहा है। लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र में आज अंतिम चरण बाटे। आज अंतिम चरण में दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में व्यास के नेतृत्व में मंगल पांडे विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी जब से जीतल बनी वहाँ के नेतृत्व के लेके तमाम सभी कार्यकर्ता के अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाता है। और बड़ा स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री मंगल पांडे जी संबोधन कर हजारों कार्यकर्ता आज करमासी में पहुंचल बटे और पहुंच के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में 2025 के चुनाव के लेके हुंकार भर चुकल बटे और तैयारी कर रहा है। जौन भी चीज बढ़वा के मैच बॉक्स के माध्यम से धीरे धीरे क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? आज धन्यवाद आभार सम्मान समारोह कार्यकर्ताओं का है और जिन कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने के लिए और हमारे एनडीए के नेता चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, पारस जी, सबके हाथ को मजबूत करने के लिए जिन लोगों ने दिन रात परिश्रम किया, वैसे सभी कार्यकर्ताओं का आभार और सम्मान का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। और आप देख रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देके सम्मानित किया जा रहा है। और साथ ही आज संकल्प लेने का भी दिन है कि जो भारत की सरकार और बिहार की सरकार जन कल्याण के काम कर रही है, उन कार्यों को हमारे कार्यकर्ता जनता तक न केवल पहुँचाने का काम करेंगे बल्कि उन योजनाओं का लाभ आम लोगों को मिले इसको भी सुनिश्चित करेंगे। और साथ ही जनता कि जिस तरीके से निरंतर सेवा भारत की सरकार और बिहार की सरकार कर रही है, जिस प्रकार से भारत की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बिहार को दिया है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने इस राज्य के विकास की विशेष चिंता की है, उस तरीके से हम आगे भी करते रहें, इसके लिए 2025 में जनता का आशीर्वाद भी हम सब लोग जाके मांगे, इस काम में भी कार्यकर्ता अब लग जाएंगे। इहो देखे के होई कि 40 में 30 सीट हमने जीतल बनी सर, एकर माने 75% मार्क्स आइल बा। 75% मार्क्स के माने डिस्टिंक्शन होला और डिस्टिंक्शन माने बहुत ज्यादा सफलता मानल जाला, तो 40 में 30 सीट बड़ा सफलता मानल जाई और हमनी के जनता के आशीर्वाद मिलल बा, हमनी के जनता के सेवा करब सर। सर रउआ अभी वर्तमान में जन स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री भी बानी, रउआ से एगो सवाल रहे, सिवान देखल जाओ तो या मंत्री बानी और सिवान सदर वापी मेरी डूबी ना सके, बार बार डूबते पे का कुछ कहे के चाहे? हां, यो देखे के चाहे रउआ जाके कि सिवान सदर अस्पताल में कितना भव्य बिल्डिंग बनता और 3 महीना के बाद जब वो बन जाए तो ओकर ऑपरेशन थिएटर से लेके आ जनता के सुविधा के कितना चीज बढ़ी, तनी बिल्डिंग वो रउआ देखाए तो अच्छा रहे।
सर अगला साल चुनाव आने वाला है, बिहार वासियों के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज? हम लोग तो जनता के सेवक रहे हैं, आगे भी रहेंगे। जनता हमको अधिक समय में अपने सेवा करने का अवसर देती रही है और 2005 के बाद से जो बिहार में परिवर्तन आया उसके कारण हम सब लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलते रहे। सबसे पहले आपको बधाई सिवान जनता के आज यहाँ पर धन्यवाद सम्मान समारोह में आप उपस्थित हुए हैं। हसनपुरा का प्रमुख जो मुद्दा है, जो समस्या है, देखिए पहले तो हम लोग आज कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जा रहा है। बाकी आगे चाहे हसनपुरा का मुद्दा हो या सिवान का मुद्दा हो, हर मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। जो भी समस्या है उसके निदान करने की ये हमारी NDA सरकार सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम, हम लोग करेंगे। सर आप जानेंगे दरौदा जो स्टेशन है वहाँ पर गाड़ियों का ठहराव कम है और जो भी ठहराव है उसे रद्द किया जा रहा है, काफी यात्रियों को सिवान जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है, इस पर क्या विचार है? हाँ, यहाँ के लोगों के जरिए हम लोगों को सब चीज़ों की जानकारी है, इस पे काम भी हो रहा है। हम लोग बहुत ही अविलम्ब रेल मंत्री से मिल ट्रेन के ठहराव का मामला हो, चाहे दुरौंदा हो या सिवान से पाटलिपुत्रा तक जाने वाली ट्रेन रेलगाड़ी हो, या कुछ लोगों का ये भी मांग है कि सिवान से काशी विश्वनाथ के लिए भी ट्रेन खुले, या सिसवन ओवरब्रिज का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। इस सब मुद्दे को हम लोग देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है इन सारे समस्याओं का निदान इसी NDA सरकार में, मोदी जी के सरकार में होगा। देखा जाओ दरोगा लोकसभा क्षेत्र में सारण के सबसे बड़ा धर्मस्थली बाबा महेंद्रनाथ धाम आ गया, देखा जाओ तो मान ली के पूर्वी द्वार अपना जिला में ना होगा लेकिन पश्चिमी द्वार अपना जिला में आना, पूरा रास्ता जर्जर बा, इस पे क्या कुछ कर रहे हैं रोगा? रास्ता का सब टेंडर हो गई बा, रास्ता बनने वाला बा, निश्चित रहेंगे।